तो भाई लोग कैसी गुजरी जिंदगी। हम आज फिर से 4 महीने बाद सब रेडिट रिव्यू करने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात यह है इसमें हम लोगों के सब रेडिट पर 600 से प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। वाओ, थैंक यू सो मच हर एक को जिसने भी मुझे इन वीडियोस के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और जिसने अभी तक हमारा सब रेडिट ज्वाइन नहीं किया है तो फौरन से कर लो। मैं तुम लोगों को यकीन से कह सकता हूँ ये सब रेडिट बहुत बड़ा बनेगा, सच बता रहा हूँ। हमारा चैनल तो नहीं बन सका मगर सब रेडिट जरूर बनेगा, लिख ले ये कहीं। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। मैं अपने एक पुराने यूट्यूबर फ्रेंड को लेकर आया हूँ, बदतमीज पीजे, जो हमारे साथ ही स्टूडियो में बैठकर हमारे सब रेडिट को रिव्यू करेगा, और मैं जान सकूंगा कि एक तीसरे बंदे का हमारे सब रेडिट के बारे में कैसा इंटरेस्ट होता है। तो लेट्स गो। मुझे पता नहीं क्यों आज की वीडियो के इंट्रो से वो वाली वाइब आ रही है। ये मेरा एक होम बिजनेस है एंड माय एकेडमी बिजनेस, ये आप लोग देख सकते हैं। दिस इज माय इनकम प्रूफ ऑफ लास्ट मंथ 50K एप्पल। हां थैंक मी, नो इट डजंट अफेक्ट माय बेबी 15 ईयर लेटर। ऐसे लग रहे हैं, कसम से ऐसे लग रहे हैं जैसे तू 15 मुट्ठे इकट्ठी लगा के आया होगा पेंचर। और फिर कमजोरी हो गई और वो मुंह पे लकवा आ गया कुछ ऐसा। आई एम द डंबेस्ट मैन अलाइव। इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग डक्की भाई देन यू आर क्लियरली अ टिकटॉकर। थोड़ी के मादर चोद बहन के लौड़े, अफगानिस्तान लौड़े, बहन के लौड़े। नाइस, मुझे पता लग गया किधर रहता है। अबे मुझे ये मीम देख के ना भला क्या याद है, क्या याद है वो बंदा जो तुझे कह रहा था अफगानिस्तान कश्ती के बच्चे। तेरे घर पर आ जाऊंगा मैं। उसको मैंने इतना बहनचोद क्रेजी रिप्लाई दिया, कहता कहाँ रहता है तू भाई। तुम्हारे भाई ने उसको मतलब क्या कह दिया उसको, तुम्हारी मम्मी की बाहों में। ऐसा गंदा ट्रिगर हुआ वो, मैं तो गालियों पर आ गया शदीद। अबे एक मिनट। मी सर। यस। ये देखो। For some reason we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity. 100%? Yes. I have no idea. एक तो फकीर ऊपर से गरीब पैसे तो दे दे। ओ भाई फक, अबे एक तो गरीब ऊपर से फकीर। नाइस भाई यार, नाइस। 2 years ago ये पिक्चर है, ठीक है। two years ago watching डक्की भाई वीडियोस नाउ। हाँ ओके। तेरा इस पे क्या वो एक ओपिनियन है? मतलब जब मैं पहले डक्की को देखता था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी, अगर सच बताऊं तो, कि मतलब अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि उसे भी पता है कि उसका ह्यूमर अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, लेकिन अभी भी उसके लिए वर्क कर रहे। तो वो तो करेगा ना। अबे वो वाली बात है ना, अब जो वो खुद भी कहता है मतलब मेरी ऑडियंस ये देखना चाहती है तो मैं ये दिखाता हूँ। तो फिर या तो ये एक्सेप्ट करे कि मैं अब कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक बिजनेसमैन हूँ, यूट्यूबर, यूट्यूब के नाम पर जाके बैठा हूँ, ठीक है। या फिर वो कंटेंट बनाए जो एक्चुअली इस सन में, इस टाइम में वर्थ रखता हो, कुछ ऐसा एफर्ट करे, या जो ये डिजर्व करता है इतने सब्सक्राइबर्स उसके लिए वर्थ रखे, इसके सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो चीज करे फिर, तब फिर कह सकते हैं कंटेंट क्रिएटर है। यार ये मच्छर क्यों है जो घूमते फिरते कुत्ते के बच्चे आ रहे हैं इधर मेरे मुंह पे। खैर डक्की भाई, कचरे के आसपास, डक्की भाई कचरे के आसपास मच्छर ही। ओ मीम लगा दूंगा मैं, ठीक है, बेफिक्र है, तेरी मीम तैयार हो जाएगी, ओ लगा दूंगा मैं, खुश हो जा, आगे बढ़ ले। डक्की भाई फैंस, ये डक्की भाई हैं, डक्की भाई फैंस हैं अफगानिस्तान। क्या कर रहा हूँ मैं? डक्की भाई फैंस ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? डक्की भाई फैंस ऊपर लगा रहे हैं। अफगानिस्तान क्या कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अफगानिस्तान क्या कर रहा है? अफगानिस्तान नहीं, नीचे पानी गिर रहा है, वो इकट्ठे कर रहे हैं। अबे भूसड़ी के अफगानिस्तान वीडियो देख रहा है, मतलब अच्छा अफगानिस्तान सिर्फ देख रहा है,
डक्की भाई हैं और डक्की भाई फैंस उनको चूपा लगा रहे हैं, अफगानिस्तान शायद बैठ के देख रहा है कुछ, मुझे पिक्चर नहीं समझ आ रही ये क्या चीज है। मुझे एक्सप्लेन करने दे, मुझे एक्सप्लेन करने दे, हां वीडियो ये पिक्चर पूरी कर, पिक्चर पूरी कर, जूम आउट कर, जूम आउट कर दिया डक्की भाई, ठीक है डक्की भाई की फैंस चूपा लगा रहे हैं, जो चूपा लगाने के बाद नीचे मवाद गिर रहे हैं ना वो तो इकट्ठा कर रहे हैं। नाइस, मैं उसको भेजूं क्या, टेस्ट करवाने ले जाऊंगा क्या, कौन से सच्चे फैंस हैं, कौन से इसके वो फैंस हैं जो मैं अपनी तरफ खींच ले आऊंगा। अफगानिस्तान एडिट रिव्यू कब, मेरे दोस्त यार यार डक्की बेकार वीडियो बनाता है क्यों, क्या क्या वो वीडियोस में गाली देता हा मी, ही आर लिटिल कंफ्यूज बट ही गॉट दिस स्प्रिट। लेट्स वाइंड अप ऑन दिस सॉन्ग स्टिल एग्जिस्ट उसके दिल में मैं, हाँ मेरे लन पे वो, हाँ हम दोनों की प्यार कहानी जैसे ढापे ढा, उसके दिल में मैं, हाँ मेरे लन पे वो, हाँ हम दोनों की प्यार कहानी जैसे ढापे ढा। ये यार इस तरह का गाना वापस से एक और बनाऊंगा मैं, मैंने सोचा है उसका, मैंने सोचा है कुछ करता हूँ, मुझे अपनी याद आ गई पुराने जमाने की पीजे। तुम्हें क्यों नहीं आ रही बहन, तुम्हारी तो बंदी मर गई, तुम्हें क्यों नहीं आती यार, अबे रुक ये देखने दे, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, रुक भाई व्हाट व्हाट इज व्हाट। ओके फाइन, आई थिंक आई गॉट समथिंग, if you forgot then it wasn't important, a fan, yeah you are right, fans have read it, lol bhai nahi bhai yaad aa jati hai, aati rehti hai, aa gaye hum sab reddit pe aa gaye hain finally, ek aur din apna zaya kar rahe hain is special manch pe, this is a special one, this is haan, a fucking special one, hamare sath hai fucking pj fucking pj yes. Hai hamare sath, what oh, every deep guy in Pakistan has heard. I'm so tired यार इन लोगों के चुदाव से, कसम ये फोन बहुत हरामी बनाई है मैं, तो बताओ बहरा आदमी क्या सुनता हो पाकिस्तान में, क्या सुनता है, क्या सुनता होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने बहरा आदमी क्या सुनता होगा पाकिस्तान में, कभी सोच के देखो। मैं मॉम वाज अ रैपर, ओके क्या है, गुस्सा दिखा दूंगी, गालियां सुना दूंगी, 7 बजे बोल के तुझे 6 बजे उठा दूंगी, चाय की जगह तुझे दूध पिला दूंगी, ज्यादा बोलेगा तो पापा को बता दूंगी, फोन जला दूंगी, भूखा सुला दूंगी, कचरे से उठाया तुझे सबको बता दूंगी। भाई भाई से बीट बॉक्स हो जाती पीछे, चल मैं बीट दे दूं पीछे, चल कर, गुस्सा दिखा दूंगी, गाली सुना दूंगी, 7 बजे बोल के तुझे 6 बजे उठा दूंगी, चाय की जगह तुझे दूध पिला दूंगी, ज्यादा बोलेगा तो पापा को बता दूंगी, फोन जला दूंगी, भूखा सुला दूंगी, कचरे से उठा के तुझे सबको बता। ओ भाई दैट्स प्रीटी कूल, वाओ भाई क्या विजय मैन, टैलेंटेड ब्रो, वाओ भाई ट्रू, क्या है नॉर्मी हो क्या, ओके अच्छा, डक्की फैंस अप्रिशिएटिंग मी फॉर कमेंटिंग दैट डक्की इज बेस्ट, इज द बेस्ट यूट्यूबर, ओके मैं जिसने आयरोनिकली कमेंट किया था भाई, आयरन मैन लेवल आयरोनिकली कमेंट किया, नॉर्मी हो क्या, व्हाट, मेरा नाम है अफान और इसका नाम भी है अफान, ट्विटर का मैसेज है शायद, तुम्हारा और मेरा नाम एक जैसा है, भाई कोई गलती गलती से हुआ है कि जानबूझ के बहन से इस तरह के तुम लोगों ने चुतियापे की और या पोस्ट कर दिए, बहुत अच्छा काम कर आया तू वहां मेरे ट्विटर पे, बहुत अच्छा काम कर आया तू, नोबडी मी एट 9 to 12 इस तरह से तू आ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे कभी दिल पूरा गाना लगाया है तुमने भाई, वाओ ओके okay.
क्यूट एडिट भाई, यकीन नहीं होता हूँ ऐसी चीजें देखकर अपने लिए। वाओ भाई, थैंक यू यार ऐसी प्यारी प्यारी पोस्टिंग के लिए भाई। ओके गाइस, बहुत मजा आया आज आपके साथ। महरूम हाँ, मेरे ख्याल से महरूम, थैंक यू सो मच महरूम फॉर दिस क्यूट एडिट। थैंक यू सो मच, ऐसी ऐसी प्यारी। तू तो चुप हो जा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तू सिर्फ हंस बेवजह हंस तू बैठ गया, तुझे इतनी बुलाया गया तू बस हंस बेवजह। और हाँ, मैं फिर से तुम लोगों का थैंक यू करना चाहूंगा हमारे सबरेडिट को इतना सपोर्ट करने के लिए। तुम लोगों की वजह से ही सबरेडिट ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे ही करते रहो। अगर जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फौरन से ज्वाइन करो, ये वीडियोस अभी आती रहेंगी काफी टाइम में, आती रहेंगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लो। और वैसे भी क्या पता, अभी हो सकता है तुम्हारे 100,000 यूट्यूबर्स भी अपने अपने नाम से सबरेडिट बना लें, जैसे कि AR/ वीडियो को लाइक कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नया प्यार नई दौलत शौलत मेरे पास, दुनिया रखी मैंने लन पे भूला सारे रिश्तेदार, जैसे टूटे हो खिलौने ख्वाब मेरे ये हजार, कहा सब वीडियो में जैसे कोई ना मेरा यार, नफरत रही खुद से मुझे बस जाना था इसी को, मैं देखी मंजिल खुद की अपने, फिर चला बस इस राह पे, छोड़ा काम धंधा सा।